हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ गाइज कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आईज, नोज एंड लिप्स को आप कैसे शेडिंग कर सकते हो और फेस को कैसे अच्छे से शेडिंग कर सकते हो। और गाइज जो पार्ट छूट गए थे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं अभी खुद बिगनर हूँ, तो कहीं पर कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, उसके लिए सॉरी। जिन लोगों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, वहाँ से जाके देख सकते हो। सो फ्रेंड, मैं हेयर शेडिंग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर डार्क एरिया है तो मैं यहाँ पर ब्लैक कर रहा हूँ पूरा चारकोल पेंसिल से, और जहाँ पर लाइट एरिया होगा वहाँ पर मैं लाइटली उसको कम प्रेशर के साथ चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा। गाइज आप अच्छे से देख सकते हो ऑब्जर्व करके कि मैं कहाँ पर किस प्रकार पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। गाइज आपको अच्छे से पेशेंस के साथ ड्राइंग को करना है, तभी आप अच्छी ड्राइंग कर पाएंगे। वीडियो का स्पीड काफ़ी ज़्यादा कर दिया है गाइज, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हेयर हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे मैं हाथ को शेडिंग कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं सिर्फ HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ गाइज, आप देख सकते हो। और टिश्यू पेपर से अच्छे से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। तो गाइज जो ये माला है उस पर भी मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे डार्क शेड है वहाँ पे डार्क, जहाँ पे लाइट शेड है वहाँ पे लाइट शेड, सिर्फ मैं HB पेंसिल से ही दे रहा हूँ उसमें, आप देख सकते हो गाइज। तो यहाँ पे मैंने जो भी पार्ट रब किया था HB पेंसिल से उसको मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प और मेकअप ब्रश से अच्छे से ब्लेंडिंग कर ले रहा हूँ। तो इतना काम गाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम साड़ी में जो है शेडिंग करेंगे, उसके लिए भी मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे पार्ट छूट गया था गाइज, तो पूरे साड़ी में गाइज मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसको अच्छे से रब करने के बाद मैं अच्छे से इसको ब्लेंडिंग कर लूँगा। तो गाइज मैंने जो फर्स्ट लेयर साड़ी में दी है वो सिर्फ HB पेंसिल से दिए है, और मैं अच्छे से इसको ब्लेंडिंग कर लूँगा। जो गाइज साड़ी में सेकेंड लेयर है उसके लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइज हमारी जो साड़ी है वो कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हो अच्छे से। और यहाँ पे मैंने डार्क एरिया जो भी हैं वहाँ पे 10B 8B पेंसिल भी यूज़ किए हैं, और जो बारीक एरिया जो कर रहा हूँ यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ गाइज। यहाँ पर गाइज हेयर छूट गया था, उसको मैं अभी रब कर रहा हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं अच्छे से इसको ब्लेंडिंग कर लूँगा। गाइज यहाँ पर जो माला है उसके लिए मैं अब 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ डार्क करने के लिए। तो गाइज हमारा जो ड्राइंग था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और जो हेयर में कुछ डिटेलिंग बाकी थी वो मैं कर रहा हूँ अभी गाइज। तो गाइज हमारा पोर्ट्रेट जो है कंप्लीट हो चुका है, और मैं अभी बैकग्राउंड शेडिंग कर रहा हूँ। आई होप यू गाइज कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कुछ गलतियाँ हो गई होंगी तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ कर दें। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।